पांचवी कक्षा के बाद बच्चे स्कूल को कोई चीज भेंट देते, तो इस भेंट स्वरूप उन्होंने पैसे इकट्ठा किए और उन्होंने मेरे पास दे दिया। और वो बोले कि सर इसमें से कुछ ऐसी चीज लेना जो बच्चों के लिए उपयुक्त हो। तो मैंने कहा क्यों ना भाई, हम एक प्रोजेक्टर खरीदी करेंगे। तो बच्चों के पैसे कुछ थे, उसमें मैंने खुद के पैसे डाले और वो प्रोजेक्टर हमने ले लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल टीचर की कहानी में। और आज हमारे साथ हमारे इस कहानी में जुड़ रहे हैं, उनका नाम है भगवंत पाटिल जी। भगवंत पाटिल जी पिछले 24 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये कोल्हापुर जिले महाराष्ट्र से हैं। अगर हम बात करें कि भगवंत पाटिल जी ने किस तरीके से तकनीक और ICT का प्रयोग कर इस क्षेत्र में कुछ नया हासिल किया है, तो वो चाहे YouTube चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो ब्लॉग्स के माध्यम से हो, चाहे वो घर घर जाके बच्चों को एंड्रॉयड चलाना सिखाना हो, इंटरनेट की व्यवस्था करवाना हो, अपने स्कूल में स्मार्ट क्लास लाना हो, या अभिभावकों की काउंसलिंग करना हो, नए टीचर्स को ट्रेन करना हो, चाहे वो पूरे महाराष्ट्र लेवल पर शिक्षकों की मीटिंग करना हो या उनका नेटवर्क बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें भगवंत पाटिल जी करते आ रहे हैं। और ये मुख्यतः से हिस्ट्री और हिंदी के अध्यापक हैं और ये एक किसान परिवार से आते हैं। और इनका हमेशा से ये सपना रहा है कि अपने गाँव के लिए, अपने प्रदेश के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए और तकनीक के क्षेत्र का अच्छे से इस्तेमाल करके कुछ कर सके। तो चलिए आज हम भगवंत पाटिल जी से जानते हैं कि उनकी कहानी कैसी रही, क्या चुनौतियाँ आई, किस तरीके से उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करके शिक्षा के क्षेत्र में नए झंडे गाड़े। तो चलिए शुरू करते हैं उनसे बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल टीचर की कहानी में। और आज जो शिक्षक हमारे साथ हैं वो हैं भगवंत पाटिल जी। तो सर, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। डिजिटल टीचर की कहानी का जो पूरा मकसद है वो ये है कि जो हमारे भारत के ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करके, ICT का इस्तेमाल करके अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया बदलाव लाया है, तो हम उनकी कहानी यहाँ पर लाते हैं। और हम आज आपसे ढेर सारी बातें करेंगे आपकी इस डिजिटल कहानी के लिए, तो आपका स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। तो सर, चलिए शुरू करते हैं आपके बारे में जानते हुए, तो अगर आप थोड़ा सा हमको बता सके अपने बारे में। वैसे मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के करवीर ब्लॉक एक देहात में हमारा स्कूल है। 8वीं से 10वीं कक्षा तक हमारे पाठशाला एक सेकेंडरी स्कूल है। हमारे गांव के बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं। ICT का यूज हमने हमारे स्कूल में अच्छी तरह से किया है। हमारे जो सहयोगी टीचर्स हैं वो भी हमें, उनकी भी हमें मदद मिलती है और हमारी लोकल कम्युनिटी है वो भी हमें सपोर्ट करती है, उसी की वजह से IT में इतना काम कर सके हैं। बिल्कुल। तो सर, अगर हम बात करते हैं कि आज हम इस 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये जो ऑफलाइन से ऑनलाइन जो शिफ्ट आया है, तो आपने क्योंकि तकनीक का साधन लिया है, तो आपको क्या इसमें फायदा हुआ और क्या आपको लगा कि क्योंकि आपने ये पहले शुरू कर दिया तो आपका स्कूल ज्यादा रेडी था और पैंडेमिक का इतना ज्यादा असर हुआ नहीं? नॉर्मल स्कूल से एक IT स्कूल बनाना जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, बहुत स्कूलों में बहुत ज्यादा लंबा रहता है, लेकिन मेरे स्कूल में उतना ज्यादा लंबा नहीं रहा। मैं इससे 98 से जुड़ा हुआ IT से, उस वक्त से हमने स्कूल में हमारे ये शुरुआत की थी। नॉर्मल स्कूल से IT स्कूल में परिवर्तित होने के लिए हमें थोड़ा कम वक्त लगा। और जो पैंडेमिक सिचुएशन थी पिछले साल, लॉकडाउन 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई थी, उसके बारे में हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे। लेकिन हम इससे पहले रूबरू थे, हमें इसके बारे में जानकारी थी, तो हमारे स्कूल में चल रहा था, लेकिन वो मेरी तरफ से था। मेरे सहयोगी टीचर जो थे वो इसका इस्तेमाल करते थे, नहीं करते थे। बहुत अंश टीचरों को लगता था कि हमारी ऑफलाइन पढ़ाई बहुत अच्छी है, IT का इस्तेमाल हमारे सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे मैथ्स जैसा सब्जेक्ट हो, तो मैथ्स वाले टीचर कहते थे हमारे मैथ्स में आप क्या IT लाओगे, IT का कोई यहाँ चांस नहीं है। लेकिन जब पैंडेमिक सिचुएशन आई, लॉकडाउन घोषित हुआ, हमारे टीचरों के साथ मैंने मीटिंग की और जो हमारे स्कूल की जो बेसिक नीड थी, जैसे कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर
कोई हमारा महाराष्ट्र शासन से एक व्हाट्सअप हर दिन पोस्ट आती थी, स्कूल क्लोज है लेकिन एजुकेशन शुरू है, तो दीक्षा ऐप का वीडियो और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन आता था, तो हमारे टीचरों को मालूम नहीं था कि वो हमारे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे डाले, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना यहाँ से हमने शुरू किया। और जो बेसिक नीड थी तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, वो जो सामग्री आते है वो बच्चों के पास पहुंचानी है तो उसका इवैल्यूएशन भी करना है, तो इन चीजों पर हमने ध्यान दिया। और एक छोटा सा मॉड्यूल, एक हफ्ते भर का, सात आठ दिनों का जो ट्रेनिंग था, वो ट्रेनिंग मैंने स्कूल में भी अरेंज किया और उसके माध्यम से हमारी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो गई। हमारे एरिया में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सबसे पहले बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन टीचिंग हमारी स्कूल की थी। हमने उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इस्तेमाल किया और हमारी पढ़ाई शुरू हो गई, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई और उसका इवैल्यूएशन भी हम गूगल फॉर्म के माध्यम से करते थे। बिल्कुल, तो मतलब आप लोगों ने सरकारी निर्देश का इंतजार नहीं किया और कहीं भी, ताकि डिले ना हो। तो जैसा कि आपने बताया कि गांव के लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है, तो कई ऐसे चैलेंजेस भी आए होंगे, क्योंकि जब आपने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप जैसी, मतलब जिसको बनाने में मुश्किल से 10 सेकेंड लगते हैं, या जो आज की जनरेशन के लिए बहुत छोटी चीज है, लेकिन हम समझ सकते हैं क्योंकि आप एक ऐसे स्कूल से हैं, एक ऐसे एरिया से हैं, तो ये भी एक बहुत छोटा कदम भी बहुत जरूरी रहा होगा। तो अगर हम बात करें अभिभावकों या पेरेंट्स के सपोर्ट की, तो वो कैसा रहा? पहले हमने ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने के लिए हमने पालकों का प्रबोधन किया, तो उनका पहला काउंसलिंग जरूरी था पेरेंट का, तो पेरेंट बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे, बच्चे उस पर गेम खेलते थे, व्हाट्सअप वगैरह चैट वगैरह करते थे, इस वजह से उनकी थोड़ी नाराजगी थी। लेकिन हमने उनको समझाया, उनकी एक मीटिंग ली, पेरेंट्स मीटिंग, पहले 10वीं कक्षा के लिए हमने शुरू किया, पेरेंट्स मीटिंग ली और ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन ली, और हमारे टीचर घर घर गए, बच्चों के घर घर गए, और जो माइक्रोसॉफ्ट टीम का ऐप था वो उन्होंने बच्चों के पेरेंट्स के मोबाइल पर उसका इंस्टॉलेशन किया और वो कैसा इस्तेमाल करते है इसका डेमो घर घर जाके, तो लॉकडाउन था तो लॉकडाउन की वजह से बाहर में इकट्ठा उन लोगों को कर नहीं सकते थे, तो लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के समय में घर घर जाके हमारे टीचरों ने वो ऐप उनके मोबाइल पर इंस्टॉल की और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बताया। और वो ऑनलाइन मीटिंग लेने के वजह से कुछ जो पेरेंट्स थे वो बहुत अग्रेसिव थे, वो सपोर्टिव थे, उन्होंने ही जो निगेटिव पेरेंट थे तो उनकी जो सोच थी सोच बदलने में उनकी हमारी सहायता होगी। तो पेरेंट ने पेरेंट का काउंसिलिंग किया, हमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ी। प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो टोटल क्लास में हमारे 48 स्टूडेंट थे, तो 48 स्टूडेंट, 10वीं कक्षा की बात कर रहा हूं मैं पहले शुरू करने के लिए, तो 48 ऑल स्टूडेंट के पेरेंट के पास तो मोबाइल नहीं था। कुछ ऐसे परिवार से पेरेंट्स आते थे जिनको रोजी रोटी के लिए उनकी हर दिन की लड़ाई रहती, उनके पास मोबाइल नहीं था, कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। लेकिन हमने उस पर भी एक सोल्यूशन किया, जो बच्चे जिसके मोहल्ले में रहते हैं, गली में रहते हैं, तो उनका ग्रुप बनवाया, दो दो का, तीन तीन का, और वो उसके माध्यम से वहाँ शुरू हो गया। पहले तो मेरे को दिक्कत थी कि टीचरों का जो काउंसलिंग करना पड़ा था तो स्कूल में, तो वो तो हो गया, वो तो हमारे तरफ से था, लेकिन पेरेंट का काउंसलिंग, कम्युनिटी का काउंसलिंग है वो बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो टीचर और पेरेंट के सहयोग से वो हमने कर दी। कुछ बच्चों के लिए कम्युनिटी ने 4 मोबाइल जो यूज नहीं करते थे, पुराने मोबाइल थे, वो स्कूल को गिफ्ट किए लोगों ने और वो हमने बच्चों को दे दिए उनकी पढ़ाई के लिए। वाओ, ये बिल्कुल ही सराहनीय तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत इंस्पायरिंग कदम भी है कि आज जहाँ सोचते हैं कि हमारी सैलरी है वो हमारी है और बच्चा आ रहा है पढ़ा रहा है, वहां पे स्टूडेंट टीचर रिलेशन खत्म हो जाता है। लेकिन आपने इस सब को गलत ठहराते हुए एक अपने लेवल पे, और जो भी टीचर्स घर घर गए प्रिकॉशंस लेते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, तो टेक्नोशाला की टीम से आप सभी को ऐसा सलाम है। तो अगर हम बात करें कि जो भी आपने नई नई चीजें शुरू की हैं, तो अगर हम उन पे बात करें, चाहे वो YouTube चैनल हो, चाहे वो वेबसाइट पर हो, तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। पहले तो हमारे सामने एक क्वेश्चन था कि बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए हमें क्या करना है। दीक्षा ऐप से कुछ वीडियो हमारे टीम के माध्यम से बनाए थे, हमारे टीचरों ने बनाए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में शिक्षा विभाग ने बहुत उस पर काम किया है, तो बहुत अच्छे हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट उस पर भी रहता है। लेकिन बच्चों को जब अपने टीचर का आवाज सुनाई देता हो, अपने टीचर का वीडियो अगर बच्चे सामने देखते हैं, तो उनको बहुत भाता है। और इसी वजह से मैंने जो सब्जेक्ट
सिखाता हूँ, हिंदी और हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है 10वीं कक्षा के लिए, तो उसका मैंने ई कंटेंट बनाना शुरू किया, उसके वीडियोस मैंने बनाए, तो वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता था, उसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल का भी निर्माण किया और वो रन किया यूट्यूब चैनल, तो बच्चे यूट्यूब चैनल पर वो देखते थे, लेकिन कुछ उसमें भी दिक्कत थी, तो यूट्यूब देखने के वजह से कुछ इन रिलेवेंट कंटेंट भी बच्चे देखते थे उस पर, तो ऐसे कुछ पालक से हमारे पेरेंट्स से भी वो कुछ शिकायतें आने के बाद हमने उसके उसके ऊपर भी सोचा, तो मैंने एक ब्लॉग बनाया उसके लिए, और पूरा हिंदी का तो 10वीं कक्षा का किताब था, तो उस हर एक पार्ट पर दो दो वीडियो, स्वाध्याय के वीडियो, ग्रामर के वीडियो, रचना विभाग के वीडियो, तो पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्य पुस्तक जो हिंदी का था, तो उसका जब कंटेंट पूरा होने के बाद मैंने ब्लॉग बनवाया और ब्लॉग पर वो सभी कंटेंट लिंक कर दिया यूट्यूब से। उसके बाद हमें ये भी ध्यान में आया, ब्लॉग अगर आपको ब्लॉग आपने बनाया है तो बच्चों को ब्लॉग का एड्रेस टाइप करना पड़ता है, पेरेंट्स को एड्रेस टाइप करना पड़ता है, तो कभी कभार टाइप करने में चूक हो जाते हैं और वो ठीक तरह से उसका लाभ नहीं उठा रहते, तो उसपे एक और एक टेक्निकल आविष्कार हमने किया, उसकी स्मार्ट पीडीएफ हमने बनाई। तो स्मार्ट पीडीएफ पे क्या किया, जो ब्लॉग पर था वही हमने स्मार्ट पीडीएफ पर डाल दिया, उसकी लिंक उसमें डाल दी, तो बच्चे जिस किसी पार्ट के लिंक को क्लिक करते तो उसका वीडियो रन हो जाता और वो बच्चे और पालक उस पर देख सकते थे, तो ऐसा हमने काम किया। उसके बाद इसको भी कोई दिक्कतें आने, थोड़ी कुछ परेशानी हुई, तो नया आविष्कार करना पड़ा, तो हमने कोई ट्रेनिंग आईटी की कोई स्पेशली ट्रेनिंग नहीं ली है, हमारी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा रहती है, तो इसी माध्यम से हम यहाँ तक आए। स्मार्ट पीडीएफ के बाद और एक बात मुझको करने के बारे में सोची, वो था मोबाइल ऐप बनाना, तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म थे लेकिन हमको उनके उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन गूगल पर हमने सोचा, मेहनत की और एक उसका ऐप बनवाया, हिंदी सब्जेक्ट का पूरा ऐप, उसमें हमने पाठ्य पुस्तक की भी लिंक डाली है, पूरा ऐप, अगर टीचर क्लास में जाता है, बच्चा कोई पढ़ता है, तो उस पर अगर मोबाइल और ऐप हो तो पूरा का पूरा 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम, जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, तो उसमें हमने डाल दिया, उसका पूरा ई कंटेंट हमने उसमें ऐप में डाल दिए, तो एक ऐप का आविष्कार हुआ। तो एक जैसे कोई हो गया तो उसी से प्रेरणा लेकर दूसरा हो गया, जैसे पहले हमने वीडियोस बनवाए, वीडियो के लिए हमने यूट्यूब चैनल बनवाया, यूट्यूब चैनल के बाद संचालन के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म के लिए ब्लॉग बनवाया, ब्लॉग के बाद तो उसके उसमें थोड़ी कुछ दिक्कत आने, तो हमने स्मार्ट पीडीएफ बनवाई, और स्मार्ट पीडीएफ के बाद सुविधा हो इसलिए हमने मोबाइल ऐप बनवाया, तो मैं अभी गर्व से कहता हूँ उसके 6,000 डाउनलोड्स पूरे महाराष्ट्र के लिए हुए हैं। मतलब आप सोचिए कि अगर ये ऑफलाइन होता तो एक बच्चा आता है क्लास में, पढ़ता है और जाता है, तो आपने इस चीज को 24/7 मतलब ऑनलाइन की जितने भी हम यूज कर सकते हैं अच्छे फायदे, और वो आपने सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रखा, लेकिन और हम आशा करते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो पूरे देश भर के बच्चों के पास जाए। तो अगर हम बात करें कि वीडियोस की, तो जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो एक अलग स्टाइल होती है, लेकिन वीडियोस की तरह क्योंकि वो एक वन वे अप्रोच होता है, तो बच्चों ने इसे किस तरीके से लिया और क्या था? एक जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा इधर, एज आईटी एक्सपर्ट मैंने बहुत काम किया इस क्षेत्र में, स्टेट का रिसोर्स पर्सन भी रहा हूँ, और जो इसका जो हमारे स्टेट में सेकेंडरी स्कूलों के लिए जो टेक्नोसेवी टीचर प्रशिक्षण आयोजित किया था, तो कंटेंट बनाना और उसका सिलेबस बनाने भी मैं एक प्रमुख घटक था उसमें, तो इतना सब काम करने के बाद एक बात ध्यान में आते, प्लॉज एंड प्ले, अगर आप टेक्नोलॉजी के सहायता से पढ़ाई कर रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो, तो पॉज एंड प्ले इज इम्पोर्टेंट, कहाँ आपको रुकना है और कहाँ जानकारी आपको देना है, कहाँ से शुरू करना है। तो वीडियो जैसे हमने डाला था वो पैंडेमिक सिचुएशन में बच्चे देखते थे, उस पर कुछ व्हाट्सएप पर सवाल भी वो लिखकर भेजते थे, उसका हम उनको जवाब देते थे, लेकिन यही वीडियो मैंने क्लास में पढ़ाया, मैंने दो साल, मैं पिछले साल मैंने वीडियो बनवाए और इस पिछले साल और इस साल दोनों साल मैंने क्लास में भी इसका इस्तेमाल किया, मैंने क्लास में बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाई जैसे नहीं किया, तो वीडियो रन किए और उस पर बच्चों को कंस्ट्रक्टिविटी के माध्यम से कुछ तरीके से कुछ बच्चे सवाल पूछते थे और उसके हम जवाब देते थे,
तो एक बच्चे बाद में कहने लगे, सर आप पढ़ाओ मत, वीडियो लगाओ। तो ऐसा वो बहुत इफेक्टिव एक साधन बन गया था हमारी पढ़ाई की। और क्योंकि वो बिल्कुल बेझिझक होकर आपसे सवाल पूछ पा रहे थे, तो ये भी एक बताता है कि एक सक्सेसफुल टीचर की पहचान है कि मतलब हाँ बच्चे समझ रहे हैं और तभी वो डाउट पूछ रहे हैं। तो अगर हम आपके स्कूल की बात करें तो वहाँ आपने ऐसी क्या क्या सुविधाएं हैं आपके स्कूल में, या अगर हम तकनीक के नजरिए से बात करें तो? टेक्नोलॉजी के नजरिए से अगर हम देखेंगे तो ये सुविधा है, हमने जो सुविधा हमारे पास है वो सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन से बहुत ज्यादा है। कुछ हमने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत होने के बाद रिजल्ट अच्छा आने के बाद पेरेंट्स ने कोऑपरेट किया, कुछ एक्स स्टूडेंट थे उन्होंने भी हमको इसके लिए कोऑपरेट किया, और हमारे गांव की ग्राम पंचायत वो भी हमें सपोर्ट करते, पेरेंट कम्युनिटी वो भी हमें सपोर्ट करते। तो हमारे स्कूल में सबसे पहले इसके लिए एक LCD प्रोजेक्टर हमने पहले लिया था। जो एसिडी बच्चे 10वीं कक्षा के बाद बच्चे स्कूल को कोई चीज भेंट देते हैं, तो इस भेंट स्वरूप उन्होंने पैसे इकट्ठा किए और उन्होंने मेरे पास दे दिया। और वो बोले कि सर इसमें से कुछ ऐसी चीज लेना जो बच्चों के लिए उपयुक्त हो। तो मैंने कहा क्यों ना भाई, हम एक प्रोजेक्टर खरीदी करेंगे। तो बच्चों के पैसे कुछ थे, उसमें मैंने खुद के पैसे डाले और वो प्रोजेक्टर हमने ले लिया। तो प्रोजेक्टर के बाद एक कंप्यूटर लैब है, 6 कंप्यूटर है, तो उसकी कंप्यूटर 6 कंप्यूटर की लैब है, और एक ब्रॉडबैंड BSNL का कनेक्शन है, और उसके बाद जो हमारे क्लासरूम है तो क्लासरूम में स्मार्ट TV है, तो इसका इस्तेमाल बहुत होता है आजकल। इंट्रैक्शन के तौर पर अगर देखेंगे तो एक स्मार्ट TV इज द बेस्ट टूल फॉर टूडेज टीचिंग। सो बच्चे उसमें संगीत होता है, मूविंग होता है, और बच्चों की एकाग्रता है वो बहुत अच्छे, जो हर क्लासरूम में जो क्लासरूम इंट्रैक्शन होता है वो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। जैसे हम हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतर क्रिया, जो बच्चे और वो टीचर और वो कंटेंट इसके बारे में होते हैं, तो वो अगर क्वालिटी होगी तो क्वालिटी आउटपुट होता है, बच्चों का अध्ययन भी अच्छा हो जाता है। ये सब चीजें जो IT के लिए जरूरी होते हैं, मिनिमम चीजें, बहुत बड़ी लैब नहीं है, लेकिन जो जरूरी चीजें है वो कम्युनिटी के माध्यम से हमें दे, ग्राम पंचायत ने हमें स्मार्ट TV दिए, कुछ पालक ने हमें साउंड सिस्टम दे दी है, तो ये सब चीजें कम्युनिटी के माध्यम से हमारे स्कूल में अभी है, उपलब्ध है पर्याप्त रूप में। तो अभी हमने सपोर्ट की बात करी, लेकिन सर इस बात में भी कोई दोराह नहीं है कि जब हम लीक से हटके कोई काम करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो चैलेंजेस जरूर होते हैं। तो ऐसे क्या चैलेंजेस रहे जो आपको लगता है कि हाँ जो आपने ओवरकम किए हैं, और उनके पीछे क्या ऐसा मोटिवेशन रहा? सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों की सोच बदलना, इसके प्रति सोच बदलना। तो कुछ टीचर हमारे कह रहे थे, पहले हमने जो टीचरों का जो एटीट्यूड था वो बदला, वो कह रहे थे हमारा मैथ्स वाला टीचर, मैंने पहले बताया कि हमारा मैथ्स वाला टीचर कह रहा था सर ये IT हमारे मैथ्स में नहीं आती है। तो मैंने कहा भाई मैथ से ही IT का जन्म हुआ है, तो IT उसमें है। तो मैंने उसे जीवो जबरा का, हालांकि मैं एक भाषा का टीचर हूँ, मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ, लेकिन जीवो जबरा का एक उदाहरण मैंने कुछ ही मिनटों में हल करके क्लास में दिखाया, और बच्चों ने वो एक्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरह किया। तो बहुत ऐसे ऐप भी है, मैथ पापा है, जैसे जो जैसा कोई अगर आप टीचर को कोई कठिनाई आते, बच्चों को कोई कठिनाई आते, तो सिर्फ वो खाली स्कैन करेंगे इक्वेशन और उसका हल आ जाएगा ऐसे ऐप में। तो मैप पापा है, बहुत से 4-5 ऐप है, वो भी ऐप मैंने उन टीचरों को सिखाया। तो पहला जो जैसे हम ऑब्स्टेकल कहते हैं वो दृष्टिकोण की चेंज में था, तो दृष्टिकोण बदलना पड़ा, पहले स्कूल का बाद में कम्युनिटी का। इसके एक और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, तो पालक जो पेरेंट्स है वो हमें इतने सपोर्ट क्यों करने लगे, तो मैं एक एज अ माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर में काम करता हूँ, इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूँ, तो मेरे कॉन्टैक्ट तो इंडिया में ही और इंडिया के बाहर भी कोई कॉन्टैक्ट जो है तो बहुत से हमारे पास है। तो उनमें से 12 टीचरों को इस लॉकडाउन के दरम्यान, फुल लॉकडाउन था, तो हमने उनको ऑनलाइन बुलाया माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से। बच्चे घर में थे और बच्चों ने वो सेशन, 12 टीचरों का सेशन अपने फैमिली के साथ ज्वाइन किया। बच्चे उनको क्वेश्चन पूछते थे, वो वहीं से उनको जवाब देते थे। तो पेरेंट्स को भी लगा कि स्कूल कुछ कर रहा है हमारे बच्चों के लिए, तो हमें भी इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे कुछ पुअर फैमिली से जो स्टूडेंट आते थे, तो उन्होंने, उनके पास मोबाइल नहीं था, जिंदगी में पहली बार उन्होंने मोबाइल लिया, लेकिन वो भी बच्चों के लिए एंड्रॉयड मोबाइल लेके बच्चों को दे दिया। तो ऐसा उनका भी थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो गया। तो एटीट्यूड चेंज करना है, बहुत ऑब्स्टेकल रहता है।
बिल्कुल, मतलब आपने अपने काम से और धीरे धीरे समय लगता है लेकिन हो जाता है। सर अगर बात करें कि आपको रिकॉग्निशन, तो मैं अवार्ड्स देख रही थी, तो आपको जो भी अवार्ड्स मिले अगर आप उनके बारे में बताना चाहें। अवार्ड्स तो मिले बहुत, लेकिन दो अवार्ड्स ऐसे उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कोल्हापुर रोटरी क्लब से बेस्ट जी टीचर अवार्ड 2013 में हमको मिला है, और उसके बाद हमारे यहाँ एक स्टार एकेडमी है जो हर कैटेगरी से एक एक अवार्ड देते हैं, तो उन्होंने एक स्टार हेडमास्टर ऐसा एक अवार्ड मेरे को दे दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर अगर हमारे यहाँ ऐसा है टेक्नोशाला में कि जो भी टीचर होता है तो उनसे हम जब तकनीक की बात तो कर ली, अगर हम आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहें कि एक जो टीचर है और फिर उसमें एक इंसान भी है, तो बहुत सारी चीजें अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहें आप। मैं किसान फैमिली से हूँ, और हमारे घर में माता जी और हमारे पिताजी दोनों भी कभी पाठशाला नहीं गए, तो पहला साक्षर व्यक्ति घर में मैं हूँ। पहला 10वीं पास मैं हूँ, पहला ग्रेजुएट मैं हूँ, पहला पोस्ट ग्रेजुएट मैं हूँ, अभी मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, नजदीक के काल में मेरे वो फाइनल थीसिस सबमिट होने वाला है। तो एक किसान फैमिली से हो, जिस घर में कोई शिक्षा का कोई स्थान नहीं था, लेकिन उस फैमिली से मैं हूँ। लेकिन उनकी प्रेरणा जो है, माता जी और पिताजी, इन दोनों की प्रेरणा हमें बहुत है। मैं 10वीं कक्षा में था तब पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन उसके बाद माता जी ने हमें बहुत अच्छा मोटिवेट किया, पढ़ाई करने के लिए सपोर्ट किया, फाइनेंशियल कुछ जरूरतें थी वो भी पूरी करने की कोशिश उन्होंने की, अच्छा इंसान बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने हमें कष्ट करना सिखाया। किसान फैमिली से तो कष्ट करना पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है, उनको मदद करनी पड़ती है, तो ये सब चलता रहा। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया और ज्वाइन हुए स्कूल में ज्वाइन हुए। तो उसके बाद दूसरे एक व्यक्ति का मैं जिक्र करना चाहूंगा, माता जी के बाद। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई लोग होते हैं, फैमिली रहती है, तो माता जी तो थी, लेकिन उसमें हमारी जो पत्नी है उनका भी सहयोग बहुत अच्छा है, वो हमें सपोर्ट करते है, ये सब काम देखते हैं। महाराष्ट्र भर हमारा एक टेक्नो सेवी टीचर सेकेंडरी नाम का एक ग्रुप है, उसके माध्यम से हम जुड़े रहते हैं, नई नई तकनीक सीखते हैं, आज भी सीखते हैं। इस लॉकडाउन के दरमियान टेक्नो सेवी टीचर सेकेंडरी ग्रुप के माध्यम से लगभग 10,000 टीचरों का एक एक हफ्ते का हमने ट्रेनिंग लिया है, तो 10,000 टीचर को हमने साक्षर किया है, आईटी साक्षर किया है एक एक हफ्ते का कोर्स देकर। ये सब हमारा यूनाइटेड काम चलता रहता है, बहुत बहुत अच्छे तरह से काम चल रहा है। इस काम में बिजी रहने के बाद भी हमारी जो धर्मपत्नी वो हमेशा सपोर्ट करती है, हमें प्रेरणा देती है, हमारे कामों में भी कुछ मदद करती है। एज अ हाउस वाइफ वो उसकी जिम्मेदारी निभाते, इसी स्ट्रांगली निभाते हो, इसकी वजह से हम ये सब कर सकते हैं। महाराष्ट्र भर में हमारा जो ग्रुप मूवमेंट चल रहा है, टेक्नो सेवी टीचर मूवमेंट, तो ये वॉलंटरी मूवमेंट है, गवर्नमेंट से कोई हमने गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं है, लेकिन हम टीचरों ने इकट्ठा कर, जैसे अत्तार सर है, तांबे सर जी है, बहुत से नाम है, एम आर पाटिल सर है, तो मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो इस दौरान हमने जो जिन टीचरों का ट्रेनिंग लिया था, तो मैं गर्व से कहता हूँ उन्होंने इस ट्रेनिंग के बाद अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, और आज उनके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गए हैं, ऐसा काम हो गया है। कुछ ऐसे हमारे पुणे से लता कोकरे नाम की एक मैडम है, उनका यूट्यूब इस दरमियान यूट्यूब चैनल इस दरमियान ही शुरू हो गया, आज उनके जो सब्सक्राइब है वो 75,000 है। तो बहुत अच्छा, ऐसा अच्छा काम इस पैंडेमिक सिचुएशन में आईटी के बारे में हुआ है। तो आप कुछ टीचर्स का नाम ले रहे थे, तो टेक्नोशाला में ऐसा है कि अगर आप किसी टीचर कि किसी एक दो तीन या कितने भी, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, टीचर्स को नॉमिनेट करना चाहें जिन्हें आपको लगता है कि हाँ वो टेक्नोशाला पे आ सकते हैं हमारे गेस्ट बन के, तो आप बिल्कुल बताएं उनका नाम। बहुत टीचर है मैम, जी मेरे जहन में मैं किसका नाम पहले ले लू, हाँ बहुत अच्छा काम किया है ए, और हॉलंट्री कर रहे हैं, अभी रात दिन पूरी मेहनत करते, पूरा अपना सब उसमें झोंक कर बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई शुरू रखने के लिए, जारी रखने के लिए वो काम करते हैं। जैसे बहुत से नाम है, मृणाल गांधारे पुणे से है, एम आर पाटिल कोल्हापुर से, विशाल पोद्दार कोल्हापुर से है, रत्नागिरी से हमारे मयूरेश माने है, राजेंद्र खांबे जी है, जाधव सर है, गोंदिया से हमारे भंडारा से हमारे टीचर है, बहुत से पूरे महाराष्ट्र भर हमारा नेटवर्क है, और बहुत अच्छा काम कर रहे भूषण पसाटे जी जिसका नाम हम लेते हैं। तो बहुत ऐसे टीचर है
जो काम कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई शुरू रहने के लिए और अपने अपने सब्जेक्ट का ई कंटेंट बनाकर वो हमारे ग्रुप पर डालते हैं। हमने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, वो ट्रेनिंग के लिए भी हम यूज करते हैं और एज अ शेयरिंग के लिए प्लेटफॉर्म में हम यूज करते हैं। हफ्ते में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन सेशन भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हम लेते हैं, एक्सपर्ट को बुलाते हैं, एक्सपर्ट के माध्यम से लोगों को हम ट्रेनिंग देने की उसमें कोशिश करते हैं। इस साल माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर महाराष्ट्र में कुछ जीने के लोग बनते थे, वो आंकड़ा वो जो आंकड़ा था तो 10 के पार कभी नहीं गया, लेकिन हमने इकट्ठा सब लोगों को करके मेहनत की और जानकारी दी, उसका ट्रेनिंग सेशन लिया, एक्सपर्ट को बुलाया, तो 25 टीचर्स हैव बिकम माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर्स इस साल। तो ऐसे बहुत से टीचर काम कर रहे हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, 8-10 टीचर तो कम से कम होंगे कि जो अपना पूरा उसमें झोंक रहे हैं आईटी के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई शुरू रखने के बारे में। कुछ लेडीज टीचर है, कोई जेंट्स टीचर है, हम सभी से बात करना चाहेंगे। तो सर, शिक्षक अभी आपको देख रहे हैं, आप उन शिक्षकों को अगर कोई संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा? पहला मैं ये संदेश दूंगा टीचरों को, कोई भी काम आपको करना है किसी दूसरे के लिए नहीं करना है, वो खुद के आनंद के लिए करना है, खुद के लिए करना है। और जो भी आप काम करना है, काम अगर आप लोकली कर रहे हो तो उसका ब्रांड ग्लोबली होना चाहिए। ये दो बातें हम टीचरों को बताना चाहते हैं। लोकल टू ग्लोबल के बारे में आप बता रहे हैं कि बहुत जो बाहर के देश हैं और आपके जो महाराष्ट्र के जो स्कूल्स हैं वहां से आपने कुछ वेबिनार्स या कुछ इंटरैक्टिव सेशन टाइप की कराए हैं, तो अगर आप उस बारे में बताएं। आईटी के माध्यम से कोई डिस्टेंस का इश्यू नहीं रहा है, तो आईटी के सहायता से हम लोकल टू ग्लोबल जा सकते, तो इसके बारे में हमने एक प्रयोग किया और जो माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर होने के माध्यम से हमारे पास जो आईडीज थे तो स्काइप के थ्रू उनको कॉन्टेक्ट किया जाता था और उनका सेशन अरेंज किया जाता था, और इन टीचरों का सेशन अरेंज करने के बाद उसकी पोस्ट बनाकर हम व्हाट्सएप पे डाल देते थे। तो ये जो पोस्ट व्हाट्सएप पे जाती थी तो वो टीचर पूरे महाराष्ट्र भर से, हमारा जो टेक्नोसेवी टीचर सेकेंडरी ग्रुप है उस पर हम डाल देते थे, तो पूरे महाराष्ट्र से कम 200-250 बच्चे और टीचर मिलकर उस सेशन को ज्वाइन हो जाते थे। ये मैंने मेरे स्कूल के लिए भी किया था और पूरे हमारी टीम के लिए किया था। तो 12 देशों से टीचर्स हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट हुए, उन्होंने अपने थॉट शेयरिंग के, लॉकडाउन के बारे में कुछ सवाल पूछा। रशिया में एक आना देगत्ते रेवा मैडम थी, तो उन्होंने वर्को तुरे नाम का शहर था रशिया में और वहां का म्यूजियम था, तो रशियन कल्चर के बारे में छोटी छोटी जानकारी एक घंटे में उन्होंने हमारे बच्चों के साथ शेयर की। बच्चे मराठी में प्रश्न पूछते थे, हम अंग्रेजी में पूछते थे, वो बताते थे। हमें लगता है कि अमेरिका एक बड़ा ही फॉरवर्ड देश है, लेकिन अमेरिका का भी कल्चर हमने उस इंटरव्यू के माध्यम से, वहां के टीचर के माध्यम से जान लिया। जो बेल्जियम का शहर था, तो बच्चे जब सेशन अटेंड करते थे तो इंटरनेट पे जानकारी लेके बच्चे वहां बैठते थे और उन टीचरों को सवाल पूछते थे पूरे महाराष्ट्र भर से। तो एक इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोकल टू ग्लोबल का हमारे प्रवास बहुत अच्छा रहा और पेरेंट और टीचर और बच्चों ने इसको बहुत पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि 12 देशों से लोग जुड़े थे, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हुआ, साथ ही साथ एक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है वो भी हुआ। आपने जो बताया कि लोकल को ग्लोबल बनाने का, बिल्कुल बहुत सही बात है। तो भगवान पाटिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला बिल्कुल जमीनी स्तर से, और आपने बहुत सारी ऐसी बातें करी जो हमारे शिक्षक देख रहे हैं या जो अभिभावक भी देख रहे हैं, जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या थोड़ा बहुत झिझकते हैं, तो उनके सारे डाउट्स आपकी बातों को सुनकर सॉल्व हो गए हैं। और आपका जो भी यूट्यूब का या ब्लॉग का लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी देख सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, आप लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म हमको उपलब्ध किया, आपको भी धन्यवाद। तो ये थी हमारी बातचीत भगवंत पाटिल जी के साथ। हम आशा करते हैं कि आज की डिजिटल टीचर की कहानी में आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के साथ, अपने शिक्षकों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।